उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक ट्रक को दूसरे ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस ट्रक की चपेट में आने से एक दरोगा और एक कांस्टेबल समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए सीओ सदर आर के चतुर्वेदी ने बताया कि उन्हें टोल प्लाजा के पास पशु तस्करी की सूचना मिली थी, जिसकी सूचना पर इलाके की पुलिस टीम ने एनएच 27 रोनाही टोल प्लाजा के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने पशु से लदे ट्रक को रोका और उसकी चेकिंग करने लगे, तभी तेज गति से आ रहे ट्रक ने उस ट्रक में जोरदार टक्कर मारी, जिसकी चपेट में आने से एक दरोगा गजेंद्र, एक कांस्टेबल उपेंद्र और ट्रक ड्राइवर नारायण गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि जानवरों की खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारी नूर मोहम्मद की मौत हो गई। आज शाम तकरीबन 8 बजे रौनाही पुलिस को सूचना मिली कि जानवरों से भरी एक अवैध ट्रक फैजाबाद से लखनऊ की तरफ जा रही है, जिस पर थाना क्षेत्र में चेकिंग लगा दी गई। चेकिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर गजेंद्र खरवार, रिक्रूट कांस्टेबल उपेंद्र यादव जब ट्रक को चेक कर रहे थे, उस ट्रक को पीछे से दूसरी ट्रक ने धक्का मार दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर गजेंद्र खरवार, रिक्रूट कांस्टेबल उपेंद्र यादव, ट्रक का ड्राइवर रूप नारायण और ट्रक में सवार नूर मोहम्मद घायल हो गए। चारों घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान नूर मोहम्मद की डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। रिक्रूट कांस्टेबल उपेंद्र यादव गंभीर होने के कारण उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। रूप नारायण और समिट पर गजेंद्र खरवार का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। FIR पंजीकृत साक्ष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कांस्टेबल उपेंद्र की हालत नाजुक देखते हुए उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि दरोगा गजेंद्र और ट्रक चालक रूप नारायण का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले में FIR दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।